बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद तवील तुलबा तहरीक के नतीजे में मुस्ताफी होकर भारत रवाना हो गईं, लेकिन उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद भारत में किसी महफूज मकाम पर मुकीम रहेंगी और उन्हें जल्द बरतानवी वीजा मिल जाएगा। ताहम अब भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नौ मुंतखब बरतानवी वजीर आजम ने मुल्की पॉलिसी के बायस बरतानिया पहुंचकर असाइलम देने से माजरत कर ली। इस नई पॉलिसी के तहत सियासी पनाह के मतलाशियों को बरतानिया के बजाय पहले किसी दूसरे मुल्क में आरजी कयाम करना होता है, जहां उसके चाल चलन और पनाह के मकासद का अंदाजा लगाया जाता है और फिर सियासी पनाह दी जाती है, जिसकी वजह से बरतानिया ने फिल वक्त हसीना वाजिद को असाइलम देने से इनकार कर दिया है। अमरीका ने भी शेख हसीना वाजिद का वीजा मंसूख कर दिया। ताहम इस हवाले से अमरीका की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया। गुज़िश्ता रोज अमरीका के वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में वाज़े किया था कि उनकी हुकूमत बांग्लादेशी आवाम के साथ खड़ी है। मोदी सरकार ने शेख हसीना वाजिद की साबिक हुकूमत के साथ कायम दोस्ती का भरम रखते हुए उन्हें किसी मुल्क में सियासी पनाह मिलने तक भारत में कयाम करने की इजाज़त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।